हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं? आप सब मैं इस वीडियो में आपको सी ई टी पी जी के बारे में बताने वाली हूँ कि सी ई टी पी जी का करेक्शन विंडो कब तक खुलेगा और फिर क्या क्या आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं जैसे कैटेगरी आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं या नहीं या फिर आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं या फिर अपने फादर्स नेम मदर्स नेम जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स है वो आप चेंज कर सकते हैं या नहीं ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो देखिए आप जैसे ही सी ई टी एन की वेबसाइट पर आएंगे ये पी वालों के लिए तो देखिए यहाँ पर कोई नोटिस वैसा नहीं है कि हाँ आपको मतलब कि ऐसा नोटिस आया कि करेक्शन विंडो ओपन हुआ लेकिन देखिए ऐसा कोई नोटिस यू वाले वालों के लिए भी नहीं है लेकिन यू वालों के लिए एक एक ट्वीट किया गया है कि उनका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उनके आंसर की और शीट आने के बाद ऐसा ट्वीट किया गया है कि उनकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होने वाली है तो मैं आपको दिखाऊँगी वो क्या है यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं मनाष प्रदीप गोहिंद ने ये हमेशा ऑफिशियल ट्वीट देते आए हैं हमेशा से जो जो भी यूजी वाले हैं वो सभी इनको जानते हुए कि हमेशा से ये ऑफिशियल ट्वीट देते आएंगे जब इन्होंने आंसर की कहा था तो उसी दिन आंसर की रिलीज़ हो गई थी और फिर इन्होंने ट्वीट किया कि ग्यारह सितंबर या तेरह सितंबर को होने वाला है करेक्शन विंडो ओपन होने वाला यू जी वाले लोग के लिए तो देखिए ग्यारह सितंबर को तो नहीं हुआ लेकिन आज तेरह सितंबर है आज देखिए आज होने वाला यू जी वालों के लिए करेक्शन विंडो एंड इन्होंने कहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं और मैं बताऊँ कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है जी जैसे कि यूजी वालों के लिए जो आया था करेक्शन विंडो ओपन होने का डेट तो तेरह सितंबर मतलब आज ओपन हो जाएगा या फिर कल तक ओपन हो जाएगा तेरह या चौदह सितंबर तक का यूजी वालों के लिए तो देखिए आपकी भी तो एग्जाम ही खत्म हुई बारह सितंबर को जो तो आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद फिर आपका रिस्पॉस शीट आने का डेट जो है वो देखिए आपका जो है बीस या उन्नीस या बीस तक आपका शीट आ जाएगा फिर देखिए उन्नीस या बीस का आपका शीट आएगा और आंसर की आएगा उसके बाद आप आंसर की जो भी आएगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं क्लेम उसको करना है जो आपको लगता है कि एन का आंसर गलत है और हमारा आंसर सही तो आप आपको क्लेम कर सकते हैं मैं पे सारी चीज़ें बताऊँगी क्लेम करने का क्या है प्रोसेस है और उसमें दो सौ रुपये फीस लगेंगे आपको क्लेम्स करने के तो देखिए अब अगर आपका करेक्शन विंडो आता है तो आप अपना यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं तो आपकी जो करेक्शन विंडो आने की जो डेट है वो देखिए मैं एक्सपेक्टेड बता दें ऐसे 22 से 23 सितंबर तक आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तो आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला यूनिवर्सिटी ऐड करने का तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है करेक्शन विंडो ओपन होने की और क्या क्या एडिट कर सकते हैं आप मैं वैसे मैं वैसे ही अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी इसीलिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए थैंक यू